मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है. मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित, इतना सारी फैसिलिटीज युक्त जो कृषि महाविद्यालय की जो ये स्थापना की और आज इसका उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगी और धन्यवाद भी दूंगी कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया. राइजिंग राजस्थान में जो टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको किस तरह से फायदा हुआ और क्या नवाचार चल रहा है उसमें? देखिए, राइजिंग राजस्थान में हर इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है. आपने देखा होगा रिप्स 2024 की हमने पॉलिसी भी उसका भी अभी कुछ ही दिनों पहले हमने वो निकाली थी. टूरिज्म यूनिट पॉलिसी भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो जितना इंसेंटिवाइज कर पाएंगे हम लोग और केस टू केस बेसिस पे भी जो भी अपना यूनिट लगाना चाहता है, टूरिज्म रिलेटेड कुछ भी शुरू करना चाहता है, उसको सरकार पूरी तरह से सपोर्ट करेगी. सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, राजस्थान के नागरिकों को क्या नई सौगात मिलेगी? सौगातें तो वैसे बहुत मिली है. मुझे लगता है इस बार जो हमारा बजट था, इसमें ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां मुझे लगता है कि सब कुछ नहीं दे दिया. ऐसा बजट था जिसके लिए विपक्ष ने भी प्रशंसा की है इस बजट की, कि आपने तो ऐसा बजट पेश किया जो कि ज्यादातर लोग चुनावी वर्ष में पेश करते हैं, लेकिन हमने तो पहले ही वर्ष में कर दिया. तो मुझे लगता है बहुत सारी घोषणाएं हुई है. अब हमारी प्राथमिकता है सारी जो घोषणाएं हैं वो सारी इम्प्लीमेंट हो, वो सारी धरातल पर नजर आए. वो हम लोग जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है उस पर हम लोग पूरी तरह से फोकस किया है हमने इन 10 महीनों में, और आगे भी करेंगे. आगे आने वाले बजट में जो कि फरवरी में आएगा उसमें भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे काम है जो हम लोग करेंगे. राइजिंग राजस्थान में अभी तक मुझे लगता है कि 25 लाख करोड़ के MOUs हो चुके हैं. बहुत इस बार इतने MOUs हुए हैं तो निश्चित रूप से MOUs धरातल पे भी उतरेंगे. ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है जो पिछली सरकार ने किया था. इस बार जो काम हम लोग करेंगे वो एक्चुअल में आप लोगों को नजर आएगा. जिले स्तर पे भी राइजिंग राजस्थान की समिट्स हुई है और हर जिले में हजारों करोड़ के MOU साइन हुए हैं और वो उनका काम भी शुरू हो चुका है. मैडम, दिल्ली नरेश मीणा वाला थप्पड़ मामला बड़ा गर्मा था.